Hey guys, welcome back to my channel. This is Karen S. Dhingra, your own The Formal Edit. Today we will talk about the topic which is men's makeup, which has to be very natural. When to do it, what to do it, how to do it, I'll tell you. Before starting the procedure, we will talk about what is the need for men's makeup. If you आजकल जैसे बॉडी पे बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिफोर एनी मैरिज या फंक्शन आप कपड़ों पे इतना इन्वेस्ट करते हैं वो जो एक छोटा सा फ्लॉ है उसको हटाने के लिए व्हाई नॉट टू स्पेंड 5 मिनट्स या थोड़े से पैसे तो आज आप स्टार्ट करें प्रोसीजर सो द फर्स्ट स्टेप इज योर फेस वॉश सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है या आपको नहा के आने के बाद सारे स्टेप्स करने हैं बिकॉज योर स्किन हैज टू बी क्लीन बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप सो द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज योर मॉइस्चराइजर दैट स्मूथन्स योर स्किन और जो हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को किसी मेकअप को अप्लाई करने से पहले अगर आपकी ऑयली स्किन है यू हैव टू अप्लाई फाय अगर आपकी ड्राई स्किन है यू कैन यूज इवियन सो योर मेकअप वुड हेल्प विद द टैनिंग उसके लिए एक लेयर ऑफ सनस्क्रीन इज मस्ट कौन सी स्किन पे कौन सी सनस्क्रीन लगेगी जैसे ड्राई स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन है या ऑयली स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन है उसके लिए मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मेरी प्रीवियस वीडियो है या आप ऊपर भी देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद द रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कंसीलर कंसील का मतलब क्या है टू हाइड या छुपाना आपको छुपाना क्या है आपके डार्क स्पॉट्स डार्क सर्कल्स कोई दानों के दाग हो जाए इसको लगाने के बाद अच्छे से स्किन टोन के साथ मर्ज करना है किसी कॉटन के साथ किसी ब्रश के साथ या विद योर हैंड्स सो नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन फाउंडेशन का पर्पस क्या है पहले ये जानिए आपकी जो अनइवन स्किन टोन है उसको ठीक करने के लिए कहीं डार्क कहीं लाइट इसको इक्वलाइज करने के लिए कभी कभी उसको एनहैंस या आपकी स्किन टोन को चेंज करने के लिए भी फाउंडेशन यूज करा जाता है और कभी कभी जो गड्ढे होते हैं उसको स्मूदन करने के लिए फाउंडेशन यूज करेंगे इसको ऐसे अप्लाई करना है और आप कोई मेकअप स्पॉन्ज से या अपने हाथ से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं सो द फाइनल स्टेप इज योर लिप बाम लिप बाम आपको कोई भी कंपनी का ले याद रखना है एक शाइनी और स्मूथ टेक्सचर देने के लिए लेना है आपको बहुत नेचुरल रखना है तो यू हैव टू कीप इट कलरलेस किसी कलर का नहीं लेना और बिना किसी फ्रेग्रेंस का लेना है चाहे वो न्यूट्रीजेना हो या कोई भी कंपनी सो मेकअप रिमूवल इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट है मेकअप अगर आप आगे सो गए योर स्किन कांट ब्रीथ जो आपके पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे तो इसलिए मेकअप रिमूवल इज इक्वली इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है कॉटन या कॉटन पैड्स लेने हैं साथ में एक मेकअप रिमूवल लेना है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दूसरा अगर आपके पास रिमूवल नहीं है तो आप एक गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं इसको ऐसे अप्लाई करना है और धीरे धीरे अपना मेकअप उतारे उसके बाद एक बार मॉइस्चराइजर लगाए इस वीडियो में हमने बहुत बेसिक स्टेप यूज करे हैं मेंस मेकअप के लिए प्राइमर भी होता है और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने अवॉइड कर रहे हैं टू कीप इट वेरी नेचुरल बेसिक एंड इजी फॉर मेन आपको पता है लड़की इतने झंझट नहीं लेते सो आई हैव केप्ट इट वेरी नॉर्मल जो एसेंशियल स्टेप्स हैं वही रखे हैं हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है फ्रॉम ऑयली स्किन टू ड्राई स्किन दोनों स्किन के बारे में भी ध्यान रखा गया है अगर वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बाय